हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। नाउ सी, यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर, दैट इज वर्किंग विथ वर्ड, एंड हियर वी हैव डन सेवरल थिंग्स अप टू नाउ, है ना। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ मूविंग एंड कॉपिंग। वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर विथ मूविंग एंड कॉपिंग द टेक्स्ट, ठीक है। नाउ सी, द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट हैपन कैन बी मूव्ड और कॉपीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट और बिटवीन द डॉक्यूमेंट। द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट कैन बी मूव्ड विद इन अ डॉक्यूमेंट और बिटवीन द डॉक्यूमेंट, ओके। Now, whereas moving a text means the text will appear from its original location and will appear another location, ठीक है। क्या होगा, disappear from its original location and will it appear and it will appear in a new location, okay। Now next is copying a text means the text will remain at its original place as well as the place where it is posted. Now, what are the steps? First is select the text you want to copy. First is what? Select the text you want to copy. Click on Home tab. Click on, after clicking on the Home tab, next is you have to choose the any one of the following button. Ya to move, or you can choose the copy. You can either you can move the text or you can choose the copying the text, okay. Okay, moving ahead. Now in this example we have chosen copy the text, so the text will remain in its original location. Click on the location where you want to place the text. You have to, what you have to do, you have to click on the location where you want to place the text. Next, click on the paste button to place the text in the new location. Next, what you have to do, you have to click on the paste button to place the text in a new location. The text will appear in the new location. Chalo, let us do it. Although we have practiced this yesterday also, but yes, let us do it again. Okay. So here I am going to open this Word file that I have saved, and yes, I am going to click on. Okay, so this is the thing that I have. This is the thing that I have opened. Now, what we have to do? We have to move or we have to copy the text. ठीक है, हमने क्या करना है? टेक्स्ट को मूव करना है या और कॉपी करना है. Now, before doing that, let us revise once again how we can select a line or a paragraph. ठीक है, ये पहले हम रिवाइज कर लेते हैं. How we can select a word, a line or a paragraph, okay. तो हमारे पास तीन चीजें हैं, पहला word, then paragraph and then sentence. अब हमें बताना है कि हम कैसे इन्हें select कर सकते हैं. चलो let us start. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, we will start with selecting a word. So tell me how you will select a word. चलो लेट अस सी. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सेलेक्ट अ पर्टिकुलर वर्ड, किसी पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डबल टैप. हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डबल टैप ऑन दैट वर्ड.
डबल टैप, क्विकली यू हैव टू डबल टैप. नाउ व्हेन यू विल डबल क्लिक, डबल टैप, ओके. नेक्स्ट, इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस होल पैराग्राफ देन वॉट आई हैव टू डू, इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस होल पैराग्राफ देन जस्ट ट्रिपल क्लिक. अच्छा, वर्ड के लिए क्या था, वर्ड के लिए डबल, वर्ड के लिए डबल क्लिक, पूरे पैराग्राफ के लिए ट्रिपल क्लिक. एंड इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट अ लाइन देन बस लाइन के बगल में आपको सिंगल क्लिक करना है. देन आपने क्या करना है, लाइन के बगल में आपने सिंगल क्लिक करना है. ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया सेलेक्ट करने का. नाउ सपोज इफ आई वांट टू डू द लॉन्ग सिलेक्शन, इफ आई वांट टू डू द लॉन्ग सिलेक्शन, अगर मुझे लॉन्ग सिलेक्शन करना है देन व्हाट आई हैव टू डू, इफ आई हैव टू डू द लॉन्ग सिलेक्शन देन व्हाट आई हैव टू डू, सी अगर मुझे लॉन्ग सिलेक्शन करना है देन क्या करना होगा, पहले मैंने कर्सर रखा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द प्लेस वेयर आई वांट टू सेलेक्ट, डबल टैप किया और इसको मैंने ऐसे ड्रैग करना क्या किया, शुरू किया. मैंने इसको क्या किया, डबल टैप, ट्रैप, डबल टैप किया और इसको ऐसे ड्रैग करना क्या किया, शुरू किया. ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, लॉन्ग सेलेक्शन किया. लॉन्ग सेलेक्शन मीन ड्रैग करके मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया. ठीक है, ऐसे करके डिजायर्ड जितना मुझे चाहिए उतना मैंने लॉन्ग सेलेक्ट करके किया. नाउ अब बात आती है कि कॉपिंग एंड पेस्टिंग अ डेटा. ठीक है, मतलब किसी डेटा को हम कैसे कॉपी, कट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं. सो द थिंग इज हाउ वी कैन कट कॉपी पेस्ट अ गिवन डेटा. लेट अस ट्राई इट. सपोज इस इसका इस डॉक्यूमेंट का मैं नेम दे देती हूँ सीजन. मैंने इसका नाम क्या दे दिया, सीजन, सीजन दिया. मैंने अब इसको क्या किया, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया और इसकी फॉन्ट साइज क्या की, बढ़ा दी. ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने ठीक है, मैंने इसकी फॉन्ट साइज क्या की, बढ़ा दी. नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे क्या करना है, यहां से कॉपी करना है नीचे कहीं. तो मैंने क्या किया, इस वर्ड को मैंने सेलेक्ट सेलेक्ट किया. अगेन बात आती है कि किसी वर्ड को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं. तो भाई किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इफ आई वांट टू सेलेक्ट एनी वर्ड देन आई हैव टू डबल टैप. डबल टैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा. तो ठीक है भाई, मेरा वर्ड सेलेक्ट हो गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब ये वर्ड सेलेक्ट हो गया, मुझे इसे कॉपी करना है. देखो जब मैंने इसे सेलेक्ट किया तो सी व्हाट आई ऑप्शन आई एम हैविंग हियर. यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे पेस्ट कट कॉपी, पेस्ट कट कॉपी, ये ऑप्शंस है मेरे पास. तो व्हाट आई कैन डू, अब अगर ये ऑप्शंस है मेरे पास तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना है. और हमने अभी अपने पीडीएफ में क्या पढ़ा, कॉपी करने में हम क्या करते हैं, जब हम कॉपी करते हैं, जब हम कॉपी करते हैं तो हम उस टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल प्लेस से क्या होता है, वो टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल प्लेस से डिसअपियर नहीं होता है. वो टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल प्लेस से डिसअपियर नहीं होता है और वो क्या होता है, अपनी ओरिजिनल प्लेस से डिसअपियर नहीं होता और वो न्यू प्लेस पे आ भी जाता है. ओके, नाउ वी विल ऑल्सो कॉपी इट. हमने कॉपी किया, हमने इसको सेलेक्ट किया, अब हमने यहाँ पे कॉपी किया. नाउ इफ आई वॉन्ट टू पेस्ट इट हियर, ठीक है, अब मैं उस जहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, आई वॉन्ट टू पेस्ट इट देयर. तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस वी. देखो क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट कहाँ है, ऊपर भी है, फर्स्ट प्लेस पे भी है एंड इधर नीचे भी है, ऊपर भी नीचे भी है ना. है ना, ओके ओके.
So what happened here, we have seen how we can copy our text from one place to another. ठीक है, और देखो कॉपी करने पे क्या हुआ, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था, कॉपी करने पे एक चीज जो अच्छी हुई, अच्छी या वट एवर, एक चीज हुई कि हमारा टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी है और हमारा टेक्स्ट जो है जिसे हमने कॉपी करके पेस्ट किया वो एक न्यू लोकेशन पे भी आ चुका है ना, अपने ओरिजिनल लोकेशन पे भी है और न्यू लोकेशन पे भी आ चुका है. ठीक है, सी ओके. नाउ तो हमने इतनी चीजें देखी, अब अगली चीज हमें क्या देखनी है, ठीक है. अच्छा चलो, दिस सेम थिंग लेट अस प्रैक्टिस देयर ऑन एम एस वर्ड. वी आर प्रैक्टिसिंग दिस ऑन एम एस पेंट. नाउ लेट अस प्रैक्टिस दिस ऑन एम एस वर्ड. सो आई एम कॉपिंग दिस होल डॉक्यूमेंट. मैंने देखो क्या किया, कॉपी किया, मैंने कॉपी कर लिया पूरे डॉक्यूमेंट को. अब मैं इसे क्या करूंगी, एम एस पेंट पे क्या कर दूंगी, आई विल पेस्ट इट. मैंने इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया. ठीक है, अच्छा लेट अस चेंज द फॉन्ट साइज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग. चलो फॉन्ट साइज और ये सारी चीजें हम पहले इसकी एडिट कर लें. ठीक है, पहले मैंने इसके हेडिंग को बड़ा सा कर लिया. नाउ नेक्स्ट, चलो इसे सेलेक्ट करें. आओ अब सो यू कैन सी वन थिंग दैट देखो सेलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ डॉक्यूमेंट. ठीक है, सेलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप कोई भी किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते. जब आपको सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो. ओके नाउ अब भाई अब हमें क्या करना, हमने कॉपी तो देख लिया, नाउ लेट अस सी मूव हाउ वी कैन मूव. ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, अब इस सीजन को, जो ये वर्ड सीजन था, इसे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया. जब मैंने इसे सेलेक्ट किया तो सी हियर आई एम हैविंग अ ऑप्शन पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, अब मुझे क्या करना है, मूव करना है. तो जब मुझे मूव करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक ऑन कट. तो हमने क्या किया, कट किया. अब ये यहां से क्या हो गया, कट हो गया. एंटर किया, अब हमें यहां पे इसे क्या करना है, पेस्ट करना है. देखो यहाँ पे ये पेस्ट बटन है ना, देखो हम मैं जब इस पे कर्सर ले जा रही हूँ तो यहाँ पे पेस्ट हाईलाइट हो जा रहा है, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया. ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि आपको क्या करना है, आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो. तो चलो मैं शॉर्टकट की का यूज कर लूँ. मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस वी से इसे पेस्ट कर दिया. नाउ सी व्हाट हैपेंड, जब मैंने इसे कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दिया तो क्या हुआ, अब देखो ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट चुका है और ये अपनी न्यू लोकेशन पे नीचे क्या हो चुका है, आ चुका है. ठीक है, तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग अ टेक्स्ट. ठीक है, कॉपिंग में क्या होता है, व्हेनेवर वी कॉपी अ टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट क्या होता है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे भी रहता है और न्यू लोकेशन पे भी आता है. और जब हम उसे मूव करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी मूव इट तो वो क्या होता है, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन के साथ साथ अपने ओरिजिनल लोकेशन से वो डिसअपियर हो जाता है और फिर वो अपनी न्यू लोकेशन पे ही हमें मिलता है. करेक्ट, ये होता है ना. देखो अभी हमने करके देखा ना, जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. ओके नाउ लेट अस सी, चलो अब आगे देखें. चलो भाई अब आगे देखते हैं, थोड़ा सी थोड़ी सी चीजें आगे देखते हैं. इतनी चीजें तो हो गई, अब लेट अस मूव बैक टू अवर पीडीएफ एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर. अब अगली टॉपिक जो हमें कवर करनी है दैट इज,
फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सो दिस ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास. लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ना भी शुरू कर दिया था, तो चलो लेट अस स्टार्ट. नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग चेंजेस. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग चेंजेस टू द टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल. देखो फॉर्मेट मीन्स वॉट, वेन एवर यू फॉर्मेट अ टेक्स्ट वॉट हैपन, whenever you format a text, formatting means what, you can make changes to the text or document to make it more attractive and beautiful. You can make it more attractive and beautiful. You can format the text by modifying font, font size and color, making it bold, italic, underline and changing the alignment of the text. You can also, what you can do, you can change the alignment of the text. आप क्या कर सकते हो, आप text की अलाइनमेंट को क्या कर सकते हो बेटा, चेंज कर सकते हो. ओके, वी कैन फॉर्मेट अवर डॉक्यूमेंट मेनली बाय यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब. वी कैन फॉर्मेट अवर डॉक्यूमेंट मेनली बाय यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब. ठीक है, तो चलो देखते हैं. अब देखो फॉर्मेटिंग के लिए दो टैब हमारे पास हैं, दो ग्रुप्स एक्चुअली, नॉट टैब, टैब नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट ग्रुप. ठीक है, देखो फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज फॉन्ट ग्रुप. नाउ व्हाट इज इन हियर इन फॉन्ट ग्रुप, बोल्ड फॉन्ट, फॉन्ट साइज, चेंज केस, दीज ऑल आर द ऑप्शन अवेलेबल इन फॉन्ट ग्रुप. कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है फॉन्ट ग्रुप में, बोल्ड फॉन्ट, फॉन्ट साइज, चेंज केस, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, अंडरलाइन, इटैलिक. ओके, दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन फॉन्ट ग्रुप. ठीक है, ये ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल है भाई, दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल टू मी इन फॉन्ट ग्रुप. ठीक है, अब देखो अब इनमें से कई सारी चीजें हमने क्या की, ऑलरेडी यूज कर रखी है. जैसे फॉन्ट, फॉन्ट जो दिस ऑप्शन, font option is used to change the font style, font size is used to increase or decrease the font size. These all options we have already used several times, but still if it is mentioned in our chapter, so we will revise it. Now next is paragraph group. So paragraph group mein we are having bullets, numbering, indenting, बॉर्डर, लाइन स्पेसिंग, अलाइन राइट टेक्स्ट, राइट जस्टिफाई सेंटर एंड अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट. दीज ऑल ऑप्शन आर इंक्लूडेड इन दीज टू ग्रुप, दैट इज अब इन दोनों ग्रुप में, दैट इज फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप. अब भाई इन दोनों में ये सारे ऑप्शन क्या हैं, अवेलेबल हैं. फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप, इन दोनों में ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं. ठीक है, बोल्ड फॉन्ट, फॉन्ट साइज. ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड. चलो अब देखते हैं, अब हम एक एक को यहाँ पे समझते जाएंगे कि व्हाट इज व्हाट. सो द फर्स्ट थिंग इज फॉन्ट बटन. सबसे पहला इज फॉन्ट बटन, वी हैव यूज्ड इट. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज. मैंने ये आपको पहले समझाया है कि हम फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट. ओके, नाउ सी दिस बटन इज यूज फॉर चेंजिंग द टाइप ऑफ फॉन्ट इन द टेक्स्ट. ओके,
नाउ थिंग इज हियर फॉन्ट बटन. तो फॉन्ट बटन के बारे में हमने पढ़ लिया कि फॉन्ट बटन इज यूज फॉर चेंजिंग द टाइप ऑफ फॉन्ट. चलो मैं करके भी दिखाऊं तुम्हें फॉन्ट बटन से फॉन्ट चेंज का. ऑल्दो मैंने कई बार दिखाया है आपको बट स्टिल चलो मैं करके दिखाऊं आपको फॉन्ट बटन से फॉन्ट चेंज करके दिखाऊं. ठीक है, सपोज मैंने फर्स्ट वर्ड दैट इज सीजन को मैंने क्या किया सेलेक्ट कर लिया. मैंने सीजन को सेलेक्ट कर लिया तो जब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया सो व्हाट हैपेंड. अब यहाँ पे देखो दिस इज व्हाट दिस इज फॉन्ट स्टाइल ग्रुप. फॉन्ट स्टाइल ग्रुप फॉन्ट ग्रुप देखो दिस इज व्हाट फॉन्ट ग्रुप. अब यहाँ पे हियर आई विल प्रेस एंड व्हाट आई विल गेट व्हेन आई विल प्रेस हियर तो मुझे क्या मिलेगा. कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनसे मैं क्या कर सकती हूँ अपने फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ. सो गोइंग टू क्लिक देयर. चलो सीजन का सपोज मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैंने ये ड्रॉप डाउन मेनू पे प्रेस किया. ठीक है एंड सपोज आई विल क्लिक ऑन टाइम्स न्यू रोमन. तो देखो जब मैंने टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक किया तो क्या हुआ इसकी फॉन्ट स्टाइल क्या हो गई चेंज हो गई. अगेन लेट अस सी मैंने इस पे प्रेस किया. आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन तो अगर मैं इनमें से किसी ऑप्शन पे मैंने प्रेस किया सपोज या दिस ऑप्शन तो देखो क्या हुआ फॉन्ट स्टाइल क्या हो गई चेंज हो गई. फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे भी इस बार भी क्या हो गई चेंज हो गई. ओके नाउ मूविंग अहेड मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. फॉन्ट साइज नेक्स्ट इज व्हाट फॉन्ट साइज. द दिस बटन इज यूज फॉर चेंजिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट. फॉन्ट साइज इज नॉर्मली 11 इन द बॉक्स. ठीक है अब देखो फॉन्ट साइज नाम से ही क्लियर है दैट दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज. इससे हम क्या कर सकते हैं अपने फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं. तो फॉन्ट साइज इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट. ओके फॉन्ट साइज इज नॉर्मली 11 इन द बॉक्स. क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज बटन. साइज फ्रॉम 8 टू 72 इज डिस्प्लेड. 8 से लेके 72 तक क्या रहेगा वहां पे आपको आपको फॉन्ट साइजेस दिखेंगे. सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम बाय क्लिकिंग द माउस ओवर अ पर्टिकुलर साइज. सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम टू वर्ड फॉर वर्ड. ठीक है सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम बाय क्लिकिंग द माउस ओवर अ पर्टिकुलर साइज. ठीक है किसी पर्टिकुलर साइज पे क्लिक करने पे आप क्या कर सकते हो अपनी डिजायर्ड साइज पा सकते हो. चलो लेट अस सी हियर आल्सो. अब नाउ सपोज फर्स्ट पैराग्राफ. सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ. आई हैव सेलेक्टेड द फर्स्ट पैराग्राफ. Now, what I have to do? Size पे. तो this is what? देखो this is font size option. अब देखो यहाँ पे 8 से लेके 72 जैसा कि हमारे बुक में है तो 8 से लेके 72 options are available here. तो what we will do? Okay. अगर मैं इसे अब 24 कर दूं सी व्हाट हैपन फॉन्ट साइज चेंज हुआ हुआ. अच्छा चलो बहुत बड़ा 72 कर दूं तो क्या होगा. देखो कितना बड़ा हो गया है ना 72 साइज 72 क्लिक करने पे क्या हुआ देखो ये कितना बड़ा सा हो गया. अच्छा चलो बहुत बढ़िया. अब चलो इसे वापस इसके नॉर्मल फॉन्ट साइज पे कर देते हैं एंड देन लेट अस रीड द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है
ठीक है, अभी हमने इसको फॉन्ट साइज छोटा कर दिया, तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज बोल्ड बटन। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? बोल्ड बटन। अब अगला हमने क्या पढ़ना है? बोल्ड बटन वी हैव टू सी। सो चूज दिस बटन इफ यू वांट्स टू मेक द टेक्स्ट अपीयर बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सेम पर्पज। नाउ वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज दिस बटन इफ यू वॉन्ट टू मेक दिस टेक्स्ट अपीयर बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सेम पर्पज। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द सेम पर्पज। नाउ नेक्स्ट इज वॉट? बोल्ड बटन के बाद नेक्स्ट इज वॉट? इटैलिक बटन। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इन अ सिंगल प्रोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इटैलिक बटन। नाउ व्हाट इज हियर इन इटैलिक बटन? दिस बटन इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट टू इटैलिक फॉर्म। कंट्रोल प्लस आई कैन ऑल्सो बी यूज फॉर दिस पर्पज। एंड नेक्स्ट इज अंडरलाइन बटन। नाउ क्लिक ऑन दिस बटन, क्लिक ऑन द अंडरलाइन बटन। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन द अंडरलाइन बटन। So if you will click on this button to underline the text, control plus U can also be pressed to underline the text. Control plus U can also be pressed to underline the text. Okay. Fine, let us move ahead. चलो अब हमने bold, italic, underline के बारे में पढ़ लिया। Now let us practice this on board. ठीक है, लेट अस प्रैक्टिस अबाउट इट ऑन एमएस वर्ड। ठीक है भाई, चलो करते हैं। अब हमें क्या करना है? बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो मैंने इस वर्ड को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखो मेरे पास बगल में क्विक एक्सेस टूल बार भी ओपन हो रहा है, आई कैन यूज दिस आल्सो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है और अंडरलाइन करना है। तो देखो फॉन्ट ग्रुप में, इधर फॉन्ट ग्रुप में यू कैन गेट, फॉन्ट ग्रुप में आपको मिल सकता है बोल्ड। देखो बी पे करते क्या हुआ, ये देखो बोल्ड हो गया ना, देखो दिस अपीयर्स बोल्ड। Then press on italic. अब देखो ये क्या हो गया, थोड़ा सा tilted हो गया ना, italic पे press करने से क्या हुआ, ये क्या हो गया, थोड़ा tilted हो गया। italic पे जब आपने press किया तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा tilted हो गया। Now next is what? Next you have to press on underline. ठीक है, आपने double tap किया, अब आपने क्या करना है, इसे underline करना। अब देखो क्या हो गया, अब इस single word में हमने तीनों चीजें प्रैक्टिस की, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। इस सिंगल टेक्स्ट में हमने सारी चीजें प्रैक्टिस की, दैट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, सो अभी हमने देखा कि हाउ वी कैन मेक अ वर्ड अपीयर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे हाउ वी कैन चेंज अ लाइन, हाउ वी कैन मेक अ लाइन अपीयर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब ये लाइन हमने सेलेक्ट कर ली, हियर वी विल प्रेस बोल्ड। देखो ये क्या हो गया, बोल्ड, then italic and then underline। अब क्या हो गया, underline। देखो एक single click से एक sentence को एक बार select किया, just one time selection, और हमने इस पे तीनों चीजें practice कर ली, bold भी, italic भी and underline भी। तीनों चीजें हमने क्या की, इस पे practice कर ली, bold, italic and underline। Okay, so kids, this is it for today. Now I will meet with you in the next class.